नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर रशनी, स्कॉलर्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। विगत दिनों में आपके कई सारे कमेंट्स सुनने को पढ़ने को मिले, उस बेस पे मैं तीन मोटे मोटे कैटेगरीज में मैं उनको क्लासिफाई कर पाई हूँ आपके कमेंट्स को। पहला तो आपका डाउट है और सवाल भी है कि टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, क्या करें। दूसरा, जिन बच्चों का अभी तक रिविज़न, जिन एस्पिरेंट्स का अभी तक रिविज़न नहीं हो पाया है, उनको रिविज़न की चिंता है। और मोर और लेस, जिनका रिविज़न भी हो गया, टेस्ट में नंबर भी आ रहे हैं, लेकिन उनका मनोबल, मुराल जो है वो कहीं ना कहीं हमें कम देखने को मिल रहा है। जिसके नंबर ज़्यादा आ रहे हैं उसका मोराल इसीलिए थोड़ा सी डाउन है कि क्या मैं ऐसा ही परफॉर्म अपने मेन एग्ज़ाम में कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगी। और दूसरा, जिनके कम नंबर आ रहे हैं उनका मोराल भी स्वाभाविक रूप से डाउन है। तो आज इन्हीं कुछ विषयों पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन नंबर 1 से कि टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, क्या करें। आप में से अधिकांश लोगों ने, जैसा कि सॉरी यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक आ गया है, हाँ, तो मैं माफ़ी चाहूँगी स्पेलिंग मिस्टेक के लिए। हाँ, तो आप लोगों में से डाउट जो था आप लोगों का वो ये था कि टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, मोर और लेस। आप में से अधिकांश जो एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने कलाम की टेस्ट सीरीज़ परचेज़ की है। मैंने भी कलाम की टेस्ट सीरीज़ ही आपको रेफ़र की है, लेकिन कई स्टूडेंट्स के, कई एस्पिरेंट्स के सामने ये तकलीफ़ आ रही है कि कलाम की टेस्ट सीरीज़ को जब वो फॉलो कर रहे हैं तो उनका स्कोर कम आ रहा है, कि कलाम ने बहुत हाई स्टैंडर्ड मेंटेन किया हुआ है, इस वजह से आपका स्कोर कम आ रहा है। और स्कोर क्योंकि कम आ रहा है तो हमारा जो मोराल है, मनोबल है, वह भी कम आ रहा है और हम सेल्फ डाउट में आ रहे हैं। इसलिए आप क्या कर सकते हैं, आप आपकी जो टेस्ट सीरीज है उसको अगर हम चेंज कर सकें तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। अब चेंज कर सकते हैं तो हम क्या परचेज करें। आप जहाँ तक मुझे देखने और सुनने को आया है, देवराज गौड़ करके हैं ये, 12th रैंक थी इनकी शायद, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो देवराज गौड़ जो हैं उन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज़ निकाली है और उनकी टेस्ट सीरीज़ मॉडरेट है। और मॉडरेट टेस्ट सीरीज़ होने के कारण आपको ये आसानी रहेगी कि आप स्कोर अच्छा कर पाओगे। दूसरा, उन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज़ के साथ OMR शीट भी दी है, तो आप लोगों में जिनके साथ ये प्रॉब्लम आती थी कि आप आंसर कुछ और होता है और OMR में आप कुछ और जगह मार्क करके आ जाते हैं, तो मिसमैच ऑफ आंसर आ रहा है लेकिन जिस स्थान पे वो गोला भरना था, OMR फिल करनी थी, आप ऐसा नहीं कर पा रहे, तो उनकी प्रैक्टिस भी देवराज गौड़ वाली टेस्ट सीरीज से आ जाएगी। और देवराज गौड़ की टेस्ट सीरीज़ इतनी महंगी भी नहीं है, कलाम की टेस्ट सीरीज़ तो बहुत महंगी है, लेकिन ये टेस्ट सीरीज़ इतनी महंगी भी नहीं है। और खुद का मोराल आप जैसे भी बना सके, बाय हुक और बाय क्रुक आप बनाने की कोशिश करें। और जिनके अंक कम आ रहे हैं आप देवराज गौड़ की टेस्ट सीरीज़ आज ही परचेज कर सकते हैं। रिविज़न धीरे धीरे हो रहा है, इसको लेकर क्या करें, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपका स्टडी कंटेंट जो है, आपका रिविज़न जो है उसकी क्वालिटी पे फोकस करें, क्वांटिटी पे नहीं। लेकिन घास काटते हुए अगर आप 5-6 बार भी रिवाइज कर लेते हो तो उसका कोई सेंस या उसका कोई आउटकम आपको मिलेगा नहीं। आप अगर बहुत क्वालिटी मेंटेन करते हुए केवल 2 या 3 बार भी रिविज़न करते हैं तो वो सफिशेंट है, वो पर्याप्त है। आप अपने ऊपर यकीन रखें। ये बहुत शॉर्ट वीडियो मैंने बनाने की कोशिश की है क्योंकि बहुत कम समय रहा है, लंबी वीडियोस लाकर मैं आपका समय बर्बाद नहीं करना चाहूँगी। आप केवल इतनी सी बात को ख्याल रखें कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं, आप मान के चलें कि अन्य तैयारी करने वाले बच्चों को भी वो प्रश्न डिफ़िकल्ट ही लगने वाले हैं, क्योंकि अगर आपने वास्तव में तैयारी की है तो आप किसी से पीछे नहीं है। आपका ये सोचना कि जयपुर में बैठने वाले बच्चे या दिल्ली में तैयारी करने वाले बच्चे जो आउट ऑफ स्टेट तैयारी कर रहे हैं वो अच्छी तैयारी कर पा रहे हैं, हम बहुत छोटे से शहर, छोटे से गांव से हैं और हमारी तैयारी
उनके लाए उनको कम्पीट करने जैसी नहीं होगी, तो आप बहुत गलत सोच रहे हैं। बहुत रूरल बैकग्राउंड से भी पिछली बार की हमने सिलेक्शन देखे हैं, तो अपने आप के ऊपर यकीन रखें, अपना मनोबल बनाए रखें, टेस्ट सीरीज़ में परिवर्तन कर सकते हैं तो कर लें। जिनके अंक कम आ रहे हैं, मैं केवल उन्हीं के लिए कह रही हूँ, जो अपना स्कोर ठीक ठाक सा कर रहे हैं वो अपनी टेस्ट सीरीज़ को बदलने की उन्हें ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। जिनको OMR में आंसर मिसमैच करने के पहले इश्यूज आए हैं, जो थर्ड पेपर दिया था उनमें भी ऐसी प्रॉब्लम उनको देखने को मिली थी, वो भी देवराज गौड़ के टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं, क्योंकि उसमें आपको OMR मिल रहा है। और अंत में मैं आपके लिए एक ये कोटेशन जो बहुत वर्ष पहले मैंने पढ़ा था, आज वापस यह वीडियो जब मैं बना रही थी तो मुझे यह यहाँ पे ऐड करना रिलेवेंट लगा। सफलता दूर है, प्रतीक्षा थका रही है, संघर्ष बोझ लगने लगा है, अधूरा छोड़ना चाहते हो लक्ष्य को छोड़ दो, पर इतना जान लो कि प्रयास और प्रतीक्षा से ज़्यादा भारी होते हैं अधूरे लक्ष्य। ये छूटकर भी नहीं छूटते, उम्र भर चलते हैं कांधों पर अफसोस बनकर, मन थक जाए तब भी विश्राम चाहता है शिकस्त नहीं। तो आप भी जब थक जाए रिवीजन कर करके, क्योंकि आपकी पुरानी तैयारी है, 8 महीने पुरानी तैयारी है, तब से लगे हुए हैं, एग्ज़ाम अब होगा, तो निश्चित रूप से हमें एक मेंटल और फिज़िकल फिटीक होगी, थकान होगी, लेकिन विश्राम कर लीजिए, शिकस्त नहीं खानी है। दोबारा अपनी उसी स्पीड उसी मनोबल के साथ बनाए रखें, और आपका सबसे मित्र, अच्छा मित्र जो है वह केवल और केवल आप है, और किसी का मनोबल देना आपको बाहर से ज़्यादा असर नहीं कर पाएगा, आपको खुद में ही अपने लिए मनोबल का सोर्स ढूंढना होगा। और मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, ऑल विल बी वेल। शुभम भवतु।